गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का फटाफट रिवीजन, राइट। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि देखो, हर कंट्री को स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कोल फ्यूल के लिए भी काम आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी काम आ सकता है और कुकिंग के लिए भी काम आ सकता है। सिमिलरली फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत तरीके के लिए यूज हो सकते हैं। तो मैंने बोला हर कंट्री फेस करती है द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर मान लो कब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने बोला या तो रिसोर्स का सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज होता, मतलब एक रिसोर्स सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए यूज हो सकता था तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर देयर वर अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो कि पीपल यूज कर सकते थे टू सेटिस्फाई देयर All of their wants, ठीक है। तो मैंने बोला दो सिचुएशन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं है। एवरी कंट्री हैज स्केर्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट। अभी बेसिकली हर इकोनॉमिक सिस्टम को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी से डील करना पड़ता है, इसको हम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। देखो, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। अभी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, मैंने बोला क्या बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, किस कैसे बनाऊं, किस तीसरा किसके लिए बनाऊं, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कितना बचा के रखूं। तो बेसिकली मींस चाहे कोई सा भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, अभी हम तीन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वन इज कैपिटलिस्ट, सेकंड वन इज सोशलिस्ट, थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। अभी ये सारे डील करते हैं विद द सेंट्रल प्रॉब्लम जो कि एक ही है, दैट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू द वांट्स, मतलब रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें हम चार चीजें डिस्कस करेंगे, क्या बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, कैसे बनाऊं एंड कितना बचाऊं ताकि मैं फ्यूचर में उसको यूज कर पाऊं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो लास्ट टॉपिक हुआ। अभी क्या बनाऊं, ठीक है, तो मैंने बोला कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड कि क्या बनाऊं एंड इन व्हाट क्वांटिटी इट शुड प्रोड्यूस, राइट। क्या मैं गन बनाऊं, क्या मैं ज्यादा बटर बनाऊं, क्या मैं मशीन्स बनाऊं, क्या बनाऊं एंड कितना बनाऊं, हाउ मच वीट, हाउ मच हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में अपन बात करेंगे कि मैं लेबर से बनाऊं चाहे मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाऊं, मतलब मैं मशीन्स लगा के बनाऊं या कैपिटल से बनवाऊं, मतलब या लेबर से बनवाऊं, ठीक है। तो कॉटन क्लोथ है वो हैंडलूम के थ्रू भी बन सकता है, पावर लूम के थ्रू भी बन सकता है। हैंडलूम में लेबर ज्यादा लगेगी, पावर लूम में मशीन एंड कैपिटल ज्यादा लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि मैं लेबर से बनाऊं या कैपिटल से बनाऊं, ये डिपेंड करता है कि उसका क्या प्राइस चल रहा है उस रिसोर्स का एंड क्या फैक्टर्स अवेलेबल है, क्या मतलब लेबर अवेलेबल ज्यादा है या क्या मशीन ज्यादा अवेलेबल है। सो यू नीड टू थिंक ऑफ दैट थिंग, राइट, कि किसके बेसिस में मैं प्रोडक्शन करूं। अगर लेबर ज्यादा अवेलेबल है तो लेबर को यूज करके हम प्रोडक्शन करेंगे। अब किसके लिए बनाऊं, अभी किसको कितना मिलना चाहिए ऑफ द टोटल आउटपुट जो कि मैं प्रोड्यूस करूंगा, तो हु शुड गेट हाउ मच एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज उनके पास पहुंचाए कैसे जाए। तो मैंने बोला दो चीजें हैं, किसको कितना मिले, राइट, हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैसे उनके पास ये गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, राइट। अभी सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मान लो नेशनल केक है तो उसमें से किसका कितना हिस्सा होना चाहिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट, हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हम बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। एंड कितना अभी हम बचाए, कितनी हम सेविंग्स करें, कितना हम इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि हम इसे फ्यूचर में यूज कर पाए। तो सोसाइटी अगर सारा ही अभी यूज कर लेगी तो उसमें कभी भी मतलब उसकी ना तो कभी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ पाएगी और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टेग्नेंट हो जाएगी, मतलब सेम ही रहेगी या फिर उल्टा डिक्लाइन ही होगी, मतलब वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। इसलिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर बोथ ऑफ द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ताकि आप फ्यूचर में भी प्रोग्रेस कर पाओ। अगर आप सेव या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो जो अभी आपका करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट विल रिमेन स्टेग्नेंट, दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम या फिर वो उससे डिक्लाइन भी हो सकता है, राइट, या फिर बेसिकली आपकी जो कभी भी कैपेसिटी है वुड नॉट इंक्रीज। अभी इकोनॉमिक सिस्टम में अपन ने दो चीजें बात करी, फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने पढ़ा था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, राइट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। सो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टू ऑफ द
एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अभी बेसिकली तीन टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, राइट। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे बेसिकली जो भी प्राइवेट मतलब कंज्यूमर्स एंड बिजनेस ये ही डिफाइन करते इकोनॉमिक एक्टिविटी को, मतलब गवर्नमेंट का बड़ा लिमिटेड रोल रहता है। एंड यहाँ पे बेसिकली जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है दीज आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब बेसिकली कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस डिफाइन्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दे डिसाइड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट का बड़ा लिमिटेड रोल रहता है एंड इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर लेजर्स फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है मार्केट इकोनॉमी, तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर्स एंड बिजनेस डिटरमाइन दी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट का बड़ा लिमिटेड रोल है। जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड, लेबर, मैन, मशीन्स, राइट, वो सारा दीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे, इट इज द मेन एलिमेंट, इट इज द मेन एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट इसका ड्राइविंग फोर्स है, मतलब प्रॉफिट ही इसको ड्राइव करता है। एग्जाम्पल ले लो यूनाइटेड स्टेट, यूके, ये कुछ बहुत इकोनॉमिक्स है जहां पे कैपिटलिज्म प्रेवलेंट है, लेकिन प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्योर फॉर्म मींस मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 100% ही सिर्फ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस चला रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरवेंशन ना हो। सो प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ इसके कुछ बहुत फीचर्स है कि इसमें जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी, माइंस, दीज आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप एंड वो चाहे जैसे उसे उस मैनर में यूज कर सकते हैं, अगर वो चाहे कि ना यूज करे तो वो ना भी यूज करे उस लैंड, लेबर, मशीन को, राइट। अभी हर फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि मतलब कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, रिसोर्स ओनर, वो जो चाहे वैसा कर सकते हैं। रिसोर्स ओनर चाहे तो अपनी जमीन दे सकता है किराए पे, नहीं देना चाहे तो नहीं देना चाहे, राइट, है ना। सारों के पास इकोनॉमिक चॉइस है कौन कितना प्रोड्यूस करे, कौन कितना कंज्यूम करे एंड द ड्राइविंग फोर्स इज प्रॉफिट मोटिव, राइट। प्रॉफिट कमाना है, कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर डिटरमाइन करता है कि क्या गुड्स प्रोड्यूसर बनाएगा तो तभी उसको फायदा होगा, राइट। तो बेसिकली कंज्यूमर के लिए जिसकी डिमांड है वही प्रोड्यूस हमारा प्रोड्यूसर बनाएगा, कॉम्पिटिशन बड़ा सीवियर रहेगा क्योंकि बेसिकली प्रोडक्शन, क्योंकि आपको कंज्यूमर्स की वॉन्ट को सेटिस्फाई करना है एट द मिनिमम प्राइस, तभी तो कंज्यूमर आपसे खरीदेगा। और इसमें बेसिकली आपका, अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें एडवर्टीजमेंट भी आपको बहुत सारा करना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, एंटरप्राइज मतलब जो रिसोर्स ओनर चाहे, कंज्यूमर चाहे, प्रोड्यूसर चाहे, वो वैसा होगा। कंजम्पशन वर्क बेसिकली इकोनॉमिक चॉइस ऑटोमेटिकली रहेगी, प्रॉफिट मोटिव रहेगा, कंज्यूमर इज द किंग एंड कॉम्पिटिशन रहेगा एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी लोएस्ट, राइट। अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो इसमें बेसिकली जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड डिमांड एंड सप्लाई वुड ड्राइव द प्राइजेस एंड उसके बेसिस पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लाइक फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब जो कंज्यूमर्स चाहते होंगे उसका ऑब्वियसली बात है भाव ऊपर जाएगा, राइट। तो इस एग्जांपल में अपन लेते हैं, अगर जैसे लेट्स से पेज मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ठीक है, जहां पे बेसिकली कार, अभी बेसिकली क्या है, कंज्यूमर चाह रहे हैं कार बनाए, ठीक है, और प्रोड्यूसर चाह रहा है कि क्लोथ बनाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। जबकि देखो कार जब कंज्यूमर चाहता है तो प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा, कार वाले में, राइट। तो अभी बिजनेसमैन क्या बनाएगा, कार बनाएगा तो बेसिकली क्या होगा, कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। तो मैंने बोला फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वुड इंपैक्ट द प्राइसेस। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व इट्स प्रॉब्लम फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स एंड द प्राइस मैकेनिज्म, राइट। तो अभी ये एग्जांपल अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अगर एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कैसे कमाएगा, प्रॉफिट के लिए वो कंपटीशन करेगा दूसरों के साथ, अभी वो वही चीज बनाएगा जो कंज्यूमर की विश है, राइट। अभी कंज्यूमर चाहते हैं कि ज्यादा कार मिले, तो अभी बेसिकली कार ज्यादा मिले तो डिमांड ज्यादा है कार की तो प्राइस ज्यादा होगा, राइट। अभी प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, अब इस ये मोटिव देगा टू प्रोड्यूस मोर कार्स, राइट। एंड इस अब ऑब्वियसली बात है, अब कॉन्ट्रेरी में देखो, क्लोथ की डिमांड कम है तो प्राइसेस कम होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो ये लेस इंसेंटिव देगा टू प्रोड्यूस एंड दस ज्यादा कार्स बनेगी
इन कंपैरिजन टू दी क्लोथ्स। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि कंज्यूमर चाहता कार बने लेकिन प्रोड्यूसर चाहता कार ना बने, राइट? सो कार शुड नॉट बी मेड, है ना? तो ये हमारा कार शुड नॉट बी मेड। अभी ये बोल रहा है शुड नॉट बी मेड, ये बोल रहा है कपड़े बनाने हैं, लेकिन आपको समझ आया ना कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली यही आपका कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ही आपकी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब वही वाला यूज होगा जो सस्ते में मिलेगा, लेबर सस्ते में है तो लेबर यूज होगा, कैपिटल इंटेंसिव अगर सस्ते में है तो वो सस्ते में यूज होगा। किसके लिए बनाऊं? अभी उनके लिए बनाऊंगा जिनके पास पैसे देने की क्षमता है। तो मैंने बोला उसके लिए बनाऊंगा हु हैव द बाइंग कैपेसिटी। अब बाइंग कैपेसिटी कैसे आती है? मैंने बोला जो इनकम कमाएगा। इनकम कैसे कमाई जाती है? इनकम कैसे कमाई जाती है? या तो काम करके, या फिर जितनी आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है उससे आप रेंटल इनकम कमा सकते हो, या कुछ और सॉर्ट ऑफ इनकम कमा सकते हो, या फिर आप जो जैसे लेट्स सपोज लैंड का जो आपका 10 लाख रुपए की खरीदी थी उसका 20 लाख रुपए भाव है, तो आपकी 10 लाख मोटा मोटी इनकम हो गई, है ना? तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम। अभी जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा आपकी बैंक कैपेसिटी और उतनी ज्यादा आपकी डिमांड, राइट? अभी कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी कंज्यूमर्स कंजम्पशन करते हैं, सेविंग करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर्स क्या करेंगे, खाएंगे और अपना सेव कर लेंगे, राइट? एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, जो बचा हुआ पैसा उसको इन्वेस्ट करेंगे, राइट? अभी सेविंग किसके ऊपर डिटरमाइन करती है? मैंने बोला क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है, जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट उतनी ज्यादा सेविंग्स, जितना ज्यादा इनकम लेवल उतनी ज्यादा सेविंग, जितना कमाओगे उतना ही तो बचा पाओगे, राइट? एंड इन्वेस्टमेंट किससे ड्राइव होती है? मैंने बोला कितना रिटर्न मिलेगा इस पैसे को डाल के, तो इट इज ड्रिवन बाय रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है? अभी ये बेसिकली मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑल आर डिटरमाइंड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म। अभी क्या क्या फायदे है? मैंने बोला ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट मिलता है जो कि आपको ड्राइव करता है टू अर्न प्रॉफिट, एंड आपकी ग्रेटर एफिशिएंसी आती है क्योंकि आप ज्यादा अच्छे मैकेनिज्म यूज करोगे ताकि आप कम से कम भाव में प्रोड्यूस को गुड्स को प्रोड्यूस कर पाओ, राइट? एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर, एंड हम उसी प्रोजेक्ट में लगवाएंगे विच आर इकोनॉमिकली फीजिबल, राइट? तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू चलता है। ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को ड्राइव करेंगे थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है? एंड आपका बेसिकली इसके ऊपर आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है फॉर कलेक्टिंग द डेटा कि भाई क्या गुड्स की डिमांड है, ये ऑटोमेटिकली ड्राइव होगा, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, राइट? अभी बेसिकली क्या होगा, आप अपने रिसोर्सेस को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यूज में लगाओगे जो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर करेगा। इसमें ज्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रहती है। इसका कारण क्या है, आपको कंज्यूमर को सस्ते से सस्ते भाव में देना है, एंड अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज, एंड आपको ये इंसेंटिव देता है कि आप एफिशिएंट डिसीजन लिए, आप एफिशिएंट तरीके से काम करें। अगर लेबर सस्ती है तो लेबर को लगाए, कैपिटल मशीन सस्ती है तो मशीन को खरीद के लगाए, एंड कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है कि भाई कंपटीशन फोर्स करता है कि प्राइस कम से कम हो। इसमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती रहती है क्योंकि भाई नई मशीन लाओगे ताकि आपका सामान सस्ते से सस्ता बने। ये आपका फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट है, राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, एंड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको एंजॉय, इसको आपको बेनिफिट देता है, एंड ये रिवॉर्ड करता है उस आदमी को जो मेहनत करता है, एंड उस आदमी को पनिश करता जो मेहनत नहीं करता है, राइट? एंड ये जनरली फंक्शन करता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनरली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, जहां पे बेसिकली मींस जैसे लेट्स से डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम करता है, जैसे लेट्स से जहां पे मतलब देयर इज वन रूलिंग पार्टी, देन देयर आर मल्टीपल ओपोजिशन पार्टी, क्योंकि तभी ये मैकेनिज्म कर पाएगा, नहीं तो बेसिकली अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। क्योंकि अगर एक ही गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली बात है वो तो बोलेगी ना भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी चलाऊंगी, मैं खुद ही अपने हिसाब से कानून बनाऊंगी। तो जनरली इट वर्क्स इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, एंड इट एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। अभी नुकसान क्या है, मैंने बोला देखो अभी ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होगा, अभी नुकसान क्या क्या है इसके, तो एक अपन फटाफट करते हैं इसके नुकसान के बारे में बात। तो मैंने बोला देखो अभी आप वही प्रोड्यूस बनाओगे जिसमें आपको ज्यादा फायदा है। अब हो सकता है कि जो अमीर है वो अमीर बनता जाए और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाए, तो देयर इज अ चांस दैट इज सोसाइटी विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज हैव्स एंड हैव नॉट। जिनके पास होगा उनके पास बहुत ज्यादा होगा, और जिनके पास नहीं होगा उनके पास कुछ भी नहीं होगा। एंड
ये ह्यूमन राइट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर लेता है। ये बोलता प्रॉपर्टी राइट तो होना चाहिए भाई, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी तो ठीक है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट, बट ये ह्यूमन राइट्स को गोली मार देता है एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ जाती है एंड देयर इज यू कैन से वाइड डिफरेंसेस एंड बेसिकली अनरेस्ट हो जाता है इन दी सोसाइटी, अनफेयरनेस हो जाती है इन दी सोसाइटी एंड ये ह्यूमन वेलफेयर को एकदम इग्नोर कर देता है ना, इनकम इनइक्वालिटी हो ही जाती है राइट। अभी जो डिमांड आपको दिख रही है, अभी आपको डिमांड किसकी दिखेगी, लेट्स एसी की दिखेगी, बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी की शायद नीड हो हंगर से मतलब क्योर करने की, बट इट विल रिप्रेजेंट, क्योंकि भाई देखो उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी, जो पुअर होगा उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी। और आपने पढ़ा फॉर होम टू प्रोड्यूस में अपन ने क्या पढ़ा, हम उसी के लिए बनाएंगे जिसकी बाइंग कैपेसिटी होगी, करेक्ट। तो अभी इसमें लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा ताकि कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रहे, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाएगा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कई बार स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट हो जाते हैं, है ना। अभी बेसिकली कंज्यूमर सॉवरेनिटी हमें दिख तो रही है, कंज्यूमर इज द किंग, बट हो सकता है कि लोअर कॉस्ट के चक्कर में उन्हें इंफीरियर गुड्स बना के दे दिया जाए, है ना। एंड फिर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हो सकता है कि बेसिकली आपका जो रिसोर्सेज है दैट विल मूव इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, लाइट से एसी बनाने में जा रहा है, जबकि शायद लोग अभी खाना पीना भी ढंग से नहीं कर पा रहे, राइट। एंड लेस ऑफ मेरिट गुड्स, मतलब जो शायद जो बड़ी सोसाइटी है वो शायद सिगरेट बियर ये सब पीना चाह रही हो, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे इन कंपैरिजन टू मेरिट गुड्स, राइट। एंड अनप्लान्ड प्रोडक्शन होगा क्योंकि कोई भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं है एंड देयर विल बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। अभी एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन है तो एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन ये सब करना पड़ेगा एंड हो सकता है कि दो तीन बड़े प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर मोनोपोली कर ले, ताकि बेसिकली बाय फेयर और फॉल मींस एंड बेसिकली आपका बेसिकली जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि भाई आपके जो रिसोर्सेज होंगे दैट विल नॉट बी यूज्ड एफिशिएंटली। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है, सोशलिस्ट मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने दिया था अपनी किताब के अंदर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया था, राइट। अब बात करते हैं अपन इसमें क्या पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो मैंने बोला इसमें बेसिकली आप सिंपल समझो कि हर बंदे को देखो फ्रीडम, उसको बेसिकली राइट टू वर्क होगा, मतलब वो काम करेगा, वो खाना पीना, फ्रीडम फ्रॉम हंगर मिलेगा एंड बेसिकली राइट टू वर्क मिलेगा, मतलब वो अपना काम कर पाएगा, ठीक है। तो ऑल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट बेसिस द इक्वल राइट्स एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, या फिर इसे हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी भी, ठीक है। अभी ये जो भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करती है, जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने चार पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज, ये सॉल्व करती है थ्रू प्लानिंग, ये प्लानिंग के थ्रू सॉल्व होता है, इसमें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी, राइट। अभी बेसिकली अभी इसमें सबका फायदा होगा, ऑल मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट एंड दे हैव इक्वल राइट्स, ठीक है। अभी इसमें बेसिकली क्या क्या कॉमन फीचर्स है, मैंने बोला कलेक्टिव ओनरशिप होगी। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दीज आर कलेक्टिवली ओन्ड बाई द स्टेट थ्रू स्टेट, ठीक है। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, राइट। एंड प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फैक्टर। अभी अपन ने जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पढ़ा था तो अपन ने बोला प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फैक्टर, बट हेयर प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्सेज। अभी बेसिकली हो सकता है कोई छोटे मोटे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप्स, ये सब शायद प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा ओन्ड हो, बट इट विल बी ऑल कलेक्टिव, ठीक है। ऑल कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब इट विल बी ओन्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स थ्रू द स्टेट एंटरप्राइज लाइक गवर्नमेंट एंटरप्राइज, ठीक है। अभी चलते हैं अगला फीचर, इकोनॉमिक प्लानिंग। मैंने बोला देखो इसमें क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी विल फिगर आउट कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी डिमांड है, राइट। सो इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अभी किसमें कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होगी, आपको बेसिकली वो काम करना पड़ेगा जो बेसिकली सरकार चाहती है, राइट। आपको काम मिलेगा, द राइट टू वर्क इज गारंटीड, बट क्या काम करना है दैट यू डोंट हैव मच चॉइस, राइट। अभी आपको भूख से आजादी मिलेगी, बट आप अगर चाहो कि भाई मुझे एसी भी मिले, वो भी मिले, वो सब चीजें आपकी सॉवरेनिटी नहीं रहेगी, राइट। अभी बेसिकली आप समझो, अभी आपको एजुकेशन फैसिलिटीज मिलेगी, अदर जो जेनरिक फैसिलिटीज हो वो है वो मिलेगी, राइट। एंड आप इसके बेसिस पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली एजुकेशनल अदर फैसिलिटीज आर मोर और लेस एंजॉयड ऑन अ सिमिलर बेसिस एंड इनइक्वालिटीज आर
रिमूव। अभी प्राइस मैकेनिज्म का कोई बहुत सब्सटेंशियल रोल रहेगा नहीं, यहाँ पे जो प्राइजेस होते हैं वो एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस होते हैं, मतलब सरकार डिटरमाइन करती है कि क्या भाव पे गुड्स को बेचा जाएगा, तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है। तो मैंने बोला अब यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट नहीं होंगे, राइट? तो अब बेसिकली दिस रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड प्लान, ठीक है? अभी प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मान लो अगर बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा है किसी चीज का तो उसको बेसिकली, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल लेवल का प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाँ मेजरली इट इज नॉट ड्रिवन बाय द डिमांड एंड सप्लाई, बट इट इज ड्रिवन आउट ऑफ द एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस, देन व्हाट आर द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, एंड इट इज सेंट्रली प्लान्ड, राइट? इसमें कॉम्पिटिशन होगा नहीं, क्योंकि भाई साहब सिर्फ एक ही बनाने वाला है, दैट इज स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट, राइट? इसके फायदे क्या है, मैंने बोला इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं कि बेसिकली एक तो इकोनॉमिक इक्वालिटी बढ़ेगी, राइट? है ना, बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये प्लान्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन की कभी भी सिचुएशन नहीं आएगी, यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन के ऊपर खर्चा नहीं करोगे, यहाँ पे वेस्टेज मिनिमाइज होंगे, क्योंकि आप एक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करोगे कि भाई कितनी डिमांड है एक्चुअल में, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हो, राइट? तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट? अपन ने पढ़ा प्लान इकोनॉमी है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज हो जाएगी, बिजनेस फ्लक्चुएशंस मतलब प्रॉफिट मोटिव है नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली आप सबको वर्क दोगे, करेक्ट? प्रॉफिट मोटिव है नहीं तो आपका कोऑपरेटिव डेवलपमेंट होगा, क्लास मतलब सोसाइटल अनरेस्ट नहीं होगा, एंड आपको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की गारंटी मिलेगी, एंड आपका जो लेबर्स एंड कंज्यूमर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उससे बच जाओगे आप, एंड देयर इज अ सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि भाई आपको काम धंधा मिलेगा, एंड आपको सिटीजंस कैन लिव हैप्पीली एंड बेसिकली इन अ यू कैन से हैप्पीली, एंड उनको काम भी मिलेगा, ठीक है? अभी व्हाट आर द डीमेरिट्स, मैंने बोला देखो डीमेरिट्स क्या क्या है, मैंने बोला सबसे पहला डीमेरिट क्या है, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म, ऐसा हो सकता है, ठीक है? अभी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर स्टेट ही गवर्न करेगा तो देर विल बी नो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, करेक्ट? इट टेक्स द बेसिक राइट ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड आप ये रिवॉर्ड नहीं करता हार्डवर्क को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, एंड एडमिनिस्ट्रेट प्राइजेस शायद जरूरी नहीं है कि वो सही भाव हो, क्योंकि वो देखो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइनिंग हो रहे, इसका मतलब आपका शायद अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइट नॉट बी गुड, राइट? है ना, तो बेसिकली आपका जो अलोकेशन है वो शायद अच्छा ना हो। अभी मोनोपोली बन सकती है, क्योंकि एक एक सरकार है तो शायद मोनोपोली बन जाएगी, भाई मैं जिस भाव में जाऊंगा मैं तो मतलब एक्सप्लॉइट करूंगा अपने रिसोर्सेस को, करेक्ट? एंड कंज्यूमर्स के पास लिमिटेड चॉइस होगी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी होगी नहीं, एंड आप सोचो कि प्योर सोशलिज्म हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है? अभी जनरली जो फॉर्म ऑफ इकोनॉमी प्रिवेल करता है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पे मार्केट्स एंड गवर्नमेंट मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अलॉन्ग विद प्राइस मैकेनिज्म अलॉन्ग विद गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी इसका एम क्या है मिक्स इकोनॉमी का, कि भाई ये बेस्ट उठा ले आउट ऑफ द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, बट उसके डीमेरिट्स को एलिमिनेट कर दे, ठीक है? अभी इसके एग्जाम्पल अभी देखो इंग्लैंड, यूएसए में भी कई बार थोड़ा, यूएसए में हमने पढ़ा था मेन कैपिटलिज्म है, बट मैंने आपको बताया ना प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है? अभी वॉट आर द फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी, मैंने बोला यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों रहेगा। अब ऐसा हो सकता है कुछ बहुत एंटिटीज आर प्योरली ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, कुछ बहुत बाय पब्लिक सेक्टर, एंड कुछ बहुत माइट बी ओन्ड जॉइंटली बाय बोथ ऑफ देम। अब प्राइवेट सेक्टर वाले का क्या, इट इन अ मिक्स इकोनॉमी तीन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आपको मिल सकती है, या तो प्योरली प्राइवेट होगी, या तो प्योरली पब्लिक होगी, या फिर कंबाइंड भी हो सकती है। मैंने बोला प्राइवेट वाले का पर्पस क्या होगा, मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट होगा, इट इज मोर सिमिलर टू दी फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर वाला क्या करेगा कि भाई इसका वेलफेयर भी देखना है कम्युनिटी का, एंड कंबाइंड सेक्टर में वो दोनों मिलकर देख सकते हैं कि भाई क्या कमोडिटी एंड सर्विस बनाए जो कि बेसिकली हम जहां पे हम दोनों मिलकर अपनी सिनर्जीज को यूज कर सकते हैं। अभी इसके फायदे क्या है, मैंने बोला देखो कुछ बहुत फायदे आपके कैपिटलिज्म के होंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, है ना, एफिशियंट डिसीजन मेकिंग होगा, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू एफिशियंट डिसीजन होगा, कंज्यूमर की सॉवरेनिटी होगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा, एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड रिस्क टेकिंग की एबिलिटी बढ़ेगी। ये कैपिटलिज्म के फायदे आ गए। फिर बेसिकली आपने पढ़ा था रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है ना, एंड बेसिकली आपका सोशल इक्वालिटी बढ़ेगी,
एंड आपका जो कट थ्रोट कंपटीशन था कैपिटलिज्म में वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बनाएगी कि भाई कंपटीशन एक्ट है कि भाई कंपटीशन अलाउड होना चाहिए, तो ये सारी चीजें करेगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, तो बेसिकली हो सकता है कि गवर्नमेंट को ज्यादा ही कंट्रोल करने लग जाए, मतलब स्टेट को ज्यादा ही कंट्रोल करने लग जाए, जिससे शायद प्राइवेट सेक्टर की उतनी ग्रोथ ना हो पाए, है ना, प्रॉपर प्लानिंग ना हो पाए, ज्यादा टैक्स लगाए प्राइवेट सेक्टर पे, एफिशिएंसी ना निकल पाए, करप्शन हो जाए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। तो मैंने बोला एक्सेसिव कंट्रोल, ठीक है, बाय द स्टेट। और कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई अब ऐसा हो सकता है या तो स्टेट बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है या फिर प्राइवेट सेक्टर को एकदम खुला छोड़ दिया है। मैंने बोला प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू ग्रो डिसप्रोपोर्शनेटली, ठीक है। अब बेसिकली ये फिर ऑलमोस्ट वैसा ही बन जाएगा लाइक अ कैपिटलिज्म, ठीक है। एंड देयर शुड, इट इज वेरी डिफिकल्ट, या तो देखो प्योर पब्लिक की तरफ चल जाओगे या प्योर प्राइवेट की तरफ चल जाओगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? मैंने बोला देखो प्राइवेट वाले थ्रू प्राइस मैकेनिज्म एंड जो गवर्नमेंट वाले हैं दैट इज थ्रू सेंट्रल प्लानिंग दे विल सॉल्व देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो मिक्स इकोनॉमी में दोनों फैक्टर चलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी एंड सेंट्रल प्लानिंग भी। सो दिस इज वॉट वी हैव लर्नड for chapter number 1 unit number 2. So this is this is the whole chapter number 1 that we have completed. Thank you, do subscribe, do share and do stay connected to this channel. Thanks, bye, and have a good day. Rock your studies, bye.